रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। 68 विधानसभा क्षेत्रों वाले हिमाचल में कांग्रेस ने 40 सीटों के साथ जीत हासिल की। बीजेपी को सिर्फ 25 सीटें ही मिली। कांग्रेस ने बेहद कम मार्जिन से बीजेपी को ये चुनाव हराया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हिमाचल में कांग्रेस को बहुमत, कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटें जीती, बीजेपी के खाते में आई 25 सीट। भाजपा के 8 मंत्री चुनाव हारे। कांग्रेस किसको बनाएगी हिमाचल का सीएम? हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बदलने की परंपरा जारी रही। भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर के बाद पासा पलट गया। कांग्रेस ने बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 40 सीटों पर जीत दर्ज कराई और बीजेपी 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। राज्य की 68 सीटों में से कांग्रेस ने 40 सीटें जीत कर बहुमत यानी 35 का आंकड़ा पार कर लिया, तो वही भाजपा 44 से 25 सीटों पर सिमट गई। उसे 19 सीटों का नुकसान हुआ। 3 सीटों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की और इस बीच जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात कर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि 2022 के चुनाव में हिमाचल में रिकॉर्ड 76% वोटिंग हुई। हालांकि पिछले 37 साल में हिमाचल में वोट प्रतिशत बढ़े या घटे, सत्ताधारी दल को सरकार गंवानी पड़ी है। भाजपा को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 6% कम वोट मिले। इसमें से 2% वोट कांग्रेस के खाते में शिफ्ट हुए, जबकि बाकी के 4% निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के खाते में गए। कांग्रेस को इससे 19 सीटों का फायदा हुआ। पिछली बार की तरह इस बार भी निर्दलीय 3 सीट जीतने में कामयाब हुए, तो वही पहली बार मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी भी 1.1% वोट लेने में कामयाब रही। हालांकि दोनों पार्टियों को जो वोट प्रतिशत मिला, उससे देखने पर पता चलता है कि कांग्रेस ने बेहद कम मार्जिन से बीजेपी को ये चुनाव हराया है। कांग्रेस को हिमाचल विधानसभा चुनाव में 43.9% वोट शेयर मिला। बीजेपी 43% वोट शेयर के साथ 25 सीटें जीतने में कामयाब रही। ऐसे में साफ है कि दोनों दलों के बीच कई अधिकतर सीटों पर बेहद कड़ा मुकाबला हुआ है और जीत का अंतर काफी कम रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने परिवर्तन रूपी आंधी चलाई जो जीत की मंजिल तक पहुंची, तो उधर भाजपा ने हिमाचल में अपनी हार को लेकर कहा कि वोट शेयर का अंतर 1% से भी कम था। हिमाचल की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है और भाजपा विपक्ष की भूमिका निभाएगी। खैर, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए हैं उस पर खरी उतरती है या नहीं। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।